देख गोपी, लेकिन अगर तेरे नसीब में पढ़ना लिखा ही नहीं है तो कोई और क्या कर सकता है? भूल जा। गोपी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आज जो स्कूल में हुआ उसी की वजह से? आज जब मैं परीक्षा लिख रही थी तो मेरे पास वो गायत्री मंत्र की पर्ची थी। जब मास्टरनी जी ने वो पर्ची देखी तो उन्होंने कहा कि उसकी दूसरी तरफ वर्णमाला लिखी हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने वो वर्णमाला कब लिखी। लेकिन मास्टर जी ने सबके सामने कर एम्स मैं कर देखी सौगन का के मैं बिल्कुल भी नकल नहीं की। मैं विद्या पाना चाहती थी लेकिन झूठ का सहारा लेके नहीं। लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। माँ जी ठीक कह रही है, विद्यालय जा रहा मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करती, मैं तो पढ़ना चाहती थी। सुनो, चुप हो जाओ और जाओ जाके सो जाओ। मैं कल प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा, देखता हूँ इस बारे में क्या किया जा सकता। लेकिन माँ जी ने कहा कि गोपी,
चलो जाओ, जाके सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है।